कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह, और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल फ्लिपकार्ट वाले ऑफर डाला था मैंने वीडियो 20 स्मार्टफोन के, ये वाला वीडियो अमेजोन का है, अमेजोन पे भी सेल चालू हो गया तो कार्ड के ऑफर्स थोड़े से बदल गए हैं, एंड कौन से 20 डील्स मुझे ठीक या बहुत अच्छे लगे उनके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन्हीं की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, कल के लिए थोड़ी सी माफी मांगना चाहता हूँ। कल शाम को एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मी 11 लाइट NE जो है आप 20,500 तक खरीद सकते हो, उसमें एक छोटी सी मुझसे गलती हो गई थी, मुझे कोई चीज था जो मेरी नजर में नहीं आया। ये था वो चीज कि जो 2,000 रुपए का कार्ड वाला डिस्काउंट है उसको पाने के लिए आपको मिनिमम 23,000 का खरीदना पड़ेगा, अगर आप एक्सचेंज करते हो तो लिमिट क्रॉस हो जाता है और वो 2,000 वाला ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप 2,000 वाला ऑफर लेते हो तो एक्सचेंज का नहीं मिलेगा, एक्सचेंज वाला लेते हो तो 2,000 वाला ऑफर नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग है, वो चीज मैं बताना भूल गया था, वो मेरी गलती थी, मैंने वीडियो को अभी के लिए फिलहाल ऑफ कर दिया है, एंड मेरी गलती थी, उसके लिए माफ कर देना। ये कोई बात नहीं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ तगड़े ऑफर्स 20 ऐसे जो अमेजोन पे आप ले सकते हो उन्हीं के बारे में। वैसे 23,500 में भी खराब डील नहीं है मी 11 लाइट NE, अगर मैं कहूँ तो एक्सचेंज करते हो आपका स्मार्टफोन अगर देते हो तो आपको 20,000 के आसपास कुछ पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। एक्सिस बैंक सिटी बैंक के कार्ड पे अगर EMI करते हो क्रेडिट कार्ड पे तो 1,250 तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है आपको, डेबिट कार्ड है तो 1,000 का है, फिर ऐसे ही लेते हो बिना EMI का तो भी 1,000 का है, वैसे वाले ऑफर्स भी है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफर्स है जिसमें 7,000 का ऑफ है बाकी सारे कार्ड पे, ICICI हो, एक्सिस बैंक का हो, एंड सब पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, तो वो वाली डील्स भी एक आगे स्मार्टफोन पे है, उनके लिए वेट करना, बात करेंगे सबकी। सबसे पहले शुरू करते हैं डील, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, साइड में माइक्रोसाइट आती रहेंगे, ठीक है? तो ध्यान देना, मी 11 लाइट NE 5G जैसे मैंने कहा 27,000 का है, इसके ऊपर 1,500 का आपको कूपन है, 2,000 का कार्ड वाला ऑफर है तो 23,500 तक पड़ जाएगा। अगर डायरेक्ट एक्सचेंज करते हो कूपन के साथ तो 4,500 का ऑफ हो जाएगा, तो ये आपको कुछ 22,500 के आसपास पड़ जाएगा, देन एक्सचेंज करोगे तो जो भी आपके स्मार्टफोन का प्राइस रहेगा वो भी कम होगा। देखना चाहते हो देख सकते हो, अच्छी डील है। देन इसके बाद अगर सैमसंग गैलेक्सी M52 लेते हो, 26,000 का फोन है, इसके ऊपर कार्ड का 1,250 का ऑफ है और कूपन 1,000 रुपए का है, तो ये इफेक्टिवली 23,500 में 23,750 में पड़ेगा। देखना चाहते हो अच्छा है, नॉक्स की सिक्योरिटी सारी चीजें मिल जाती है, इसकी तरफ भी देख सकते हो। आईकू Z5 ये स्मार्टफोन आपको पड़ जाएगा 20,000 के नीचे, वैसे 24,000 का है कार्ड पे, इस पे 1,250 का ऑफ है, लेकिन अगर आप कार्ड से ही पे करते हो और पे अगर कुछ 17,000 के ऊपर करते हो ना तो इसके ऊपर एडिशनल 500 रुपए का ऑफ है। देन उसके बाद एक्सचेंज वाला ऑफर है 3,000 का, तो अगर एक्सचेंज करते हो तो शायद वो 500 रुपए वाला ऑफ नहीं मिलेगा, तो ये 19,750 तक पड़ेगा। अगर नहीं करते हो एक्सचेंज तो 500 वाला ऑफ मिल जाएगा, तब तो आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है डील, 20,000 के नीचे नीचे आ रहे हैं। 778G है, इसके बाद बाकी सारी चीजें देखना चाहते हो इसकी तरह देख सकते हो। रेडमी 10 प्राइम 4GB 64GB 12,500 में लॉन्च हुआ था, सेल में 12,000 में आया हुआ है, कार्ड लगाओगे 1,200 का ऑफ हो जाएगा और 10,800 में मिल जाएगा 11,000 के नीचे। रेडमी 10 प्राइम नई स्मार्टफोन है, G88 के ऊपर आता है, बाकी सारी चीजें देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। रेडमी नोट 10 सुपर एमोलेड का पैनल, सारी चीजें आपको मिलेंगी 13,000 के नीचे, कैसे G95 का चिपसेट, सारी चीजें। 16,000 का फोन है, सेल में 14,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 1,250 का ऑफ हो जाएगा एंड इसको ये स्मार्टफोन आपको 12,750 रुपए मिल जाएगा। वैसे प्रीवियस सेल में और भी कम प्राइस पे था, लेकिन अभी भी लेना चाहते हो तो 12,750 के हिसाब से खराब डील नहीं है, G95 का चिपसेट एंड सारी चीजें देख लो इसकी तरफ। एंड OnePlus 9R आपको मालूम है 40,000 का फोन था, सेल में 37,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 2,000 का ऑफ है तो ये 35,000 में मिल जाएगा। देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो, 35,000 में OnePlus 9R डिसेंट डील है, अच्छी है, देखना चाहते हो इसकी तरफ, और भी बहुत सारी है मैं कहूंगा, लेकिन इसको भी अगर देखना चाहते हो OnePlus का ही फोन चाहिए तो डिसेंट डील है। मी 11X 5G ये 6GB 128GB नहीं, उसका बड़ा वाला 8GB 128GB जो था, 29,000 में सेल में आ रहा है, कार्ड लगाओगे तो 4,000 का ऑफ है तो ये 25,000 रुपए में पड़ जाएगा एंड 25,000 में अच्छी डील है। 6GB 128GB वाले का भी है वहां पे ऑफर तो दिखा रहे, अब नहीं पता कि उसके ऊपर 4,000 वाला ऑफर है कि नहीं, तो उसको अगर लोगे तो वो आपको करीब करीब 23,000 के आसपास पड़ जाएगा, 23-24,000 के आसपास, तो देखना चाहते हो उसके अगर रहा तो। हाँ, इसके ऊपर तो कंफर्म ऑफर है, 6GB 128GB वाले का पता नहीं अभी। आईकू Z3 20,000 का फोन था आपको मालूम है, सेल में 18,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे तो 1,250 का ऑफ है, एडिशनल 1,000 का एक्स्ट्रा ऑफ है तो 15,750 में आपको ये पड़ जाएगा दोनों मिला के, अच्छी डील है। आईकू Z3 5G फोन है, 15,750 के आसपास देखते हो तो अच्छा डील है, 768G के साथ, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। रेडमी 9A सस्ता स्मार्टफोन चाहिए, बजट आपका 6,000 के आसपास का है तो 7,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 700 रुपए ऑफ हो जाएगा, 6,300 में मिल जाएगा, G35 का चिपसेट है, HD+ का डिस्प्ले है एंड सारी चीजें हैं,
रेडमी 9A की तरफ देखना चाहते हो देख सकते हो, मेरे डील में लिस्ट में अच्छी डील में आता है ये। रेडमी नोट 10 लाइट अभी भी लॉन्च हुआ है, 15,000 का फोन है, आपको मालूम है पोको M2 प्रो जो था, देन उसके बाद रेडमी नोट 9 प्रो जो था उसी को रीब्रांड करके लाए हैं, 15,000 का फोन है, इसके ऊपर 2,000 का डायरेक्ट कूपन आ रहा है और 1,250 का कार्ड वाला ऑफ है। 11,750 में अच्छी डील है, खराब नहीं है, 12,000 के नीचे अगर मिलती है। 720G वाला चिपसेट है स्नैपड्रैगन का, काफी स्ट्रीमलाइंड है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी M32 15,000 का फोन है, सेल में सिर्फ 13,000 में आएगा, कार्ड लगाओगे 1,250 का ऑफ हो जाएगा, ये आपको 11,750 में मिल जाएगा। 11,750 के हिसाब से अच्छी डील है M32, सुपर एमोलेड का पैनल, G80 का चिपसेट, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, उस प्राइस में बहुत अच्छे कैमरास हैं वो। देखना चाहते हो M32 की तरफ देख सकते हो, 4G वाला अच्छा स्मार्टफोन है। चलिए रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, इसके ऊपर नॉर्मली मैं बात करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ये 17,750 रुपए में सारे ऑफर्स लगा के मिल जाए तो एक बहुत अच्छी डील अभी भी है, देखना चाहते हो देख सकते हो। वैसे 20,000 का प्राइस था, सेल में 19,000 में आ रहा है, कार्ड लगाते 1,250 का ऑफ हो जाएगा, एंड उस प्राइस में नोट 10 प्रो मैक्स अच्छी डील है, कैमरा के हिसाब से एंड बाकी सारी चीजों के हिसाब से देख सकते हो इसकी तरफ। टेक्नो पोवा बहुत कम लोग बात करते हैं इसके बारे में, अब समझिए 11,000 का फोन है, 1,100 रुपए कार्ड का लगेगा, 9,900 में मिलेगा, 9,900 में आपको G85 का चिपसेट मिल रहा है, 7,000 mAh की बैटरी है 18W के चार्जर के साथ, फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, एंड सारी चीजें सिर्फ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैमरास भी अच्छे हैं, सारी चीजें सिर्फ आपको 9,900 रुपए में 10,000 के नीचे। देखना चाहते हो डील अच्छी है, अगर आपको टेक्नो पे ट्रस्ट है एंड UI से कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। Realme Narzo 30 12,500 में आ रहा है, G95 का चिपसेट है, सारी चीजें भाई अच्छा है ये भी, एंड 1000 का और 1250 1000 का कूपन है, 1250 का कार्ड वाला ऑफर है, 10,250 मिलेगा, G95 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला फुल HD प्लस का डिस्प्ले, तगड़ी डील है, एंड इसके साथ आपको 18W का 30W का चार्जर आता है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, देख लीजिए अच्छी डील है, बहुत अच्छी डील है देख सकते हो। देन इसके बाद OnePlus 9 50,000 का फोन है, सेल में 47,000 में आ रहा है, एंड इसके ऊपर 7,000 रुपए का ऑफर है SBI के, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, ICICI के, सिटी बैंक के और एक्सिस कार्ड पे, सब पे 7,000 रुपए का ऑफ है, सिर्फ 40,000 में मिलेगा, देखना चाहते हो देख सकते हो, 40,000 के हिसाब से OnePlus 9 एक बहुत अच्छी डील है। चलिए अगली डील की बात करते हैं, तो IQOO 7 32,000 का फोन है, सेल में 30,000 में आएगा, कार्ड लगाओगे 1,250 का ऑफ हो जाएगा, 28,700 में मिलेगा, 28,750 में, एंड वो मालूम है ना अभी आया GT Neo 2, उसमें भी सारे ऑफर्स लगा के अगर आप एक्सचेंज नहीं करते हो तो भी 28-27,000 के आसपास पड़ रहा है, उससे बेटर डील है देखना चाहते हो देख सकते हो, उससे बेटर स्मार्टफोन है, थोड़ा प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन बेटर स्मार्टफोन है उससे। चलिए नेक्स्ट स्मार्टफोन Mi 11X Pro 37,000 का है, इसके ऊपर भी दो ऑफर्स है, 5,000 कार्ड पे है एंड उसके बाद 4,000 एक्सचेंज पे है, तो दोनों में से कोई एक ही मिलेगा क्योंकि कार्ड वैल्यू 33,000 होनी चाहिए कार्ड वाले ऑफर के लिए, तो दोनों में से कोई एक ले पाओगे। कार्ड वाला ऑफर लेते हो तो 32,000 तक आ जाएगा एंड एक्सचेंज वाला लेते हो तो 33,000 तक आ जाएगा, दोनों में से कोई ऑफर लगा सकते हो, एक आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से प्राइस पे ठीक है, डिसेंट है उस प्राइस पे, अगर आपका बजट 32-33,000 के आसपास और स्नैपड्रैगन 888 वाला स्मार्टफोन चाहिए तो। चलिए वीवो X60 35,000 का फोन है, इसके ऊपर 5,000 का एक्सचेंज ऑफर है, 1,250 कार्ड का ऑफर है, और अगर आप वीवो के कस्टमर हो यानी वीवो का पुराना फोन एक्सचेंज करते हो ना तो 1,000 का एक्स्ट्रा ऑफ है, तो वीवो का पुराना फोन अगर आप एक्सचेंज करते हो तो 6,000 रुपए का ऑफ मिलेगा एक्स्ट्रा आपके स्मार्टफोन के प्राइस के साथ, एंड 1,250 कार्ड वाला तो ये 27,250 इफेक्टिवली पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आपके स्मार्टफोन की जो प्राइस रहेगी वो भी कटेगी उसमें से, तो देख लीजिए मेरे ख्याल से 27,250 में वीवो X60 एक अच्छी डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो, 870 वाला स्मार्टफोन है। Redmi 9 Power 11,000 का है, कार्ड लगाओगे 1,100 ऑफ हो जाएगा, 9,900 मिल जाएगा, Redmi का फोन चाहिए 10,000 के नीचे अच्छी डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। लास्ट Narzo 50 है, अगर आपका बजट 6,000 ही है और देखना चाहते हो स्मार्टफोन तो 7,500 इसका प्राइस है, कूपन का ऑफर 800 रुपए का है और 750 कार्ड का ऑफर है, मिला जुला के 6,000 के आसपास में आपको ये पड़ जाएगा, देखना चाहते हो इसको देख सकते हो, डिसेंट स्मार्टफोन है 6,000 की प्राइस में, अगर आपका बजट 6,000 ही है तो देख सकते हो, मेरी लिस्ट में ये आता है लास्ट नंबर पे दोस्तों। तो ये 20 स्मार्टफोन की डील्स, कौन सा वाला आपको अच्छा लगा जरूर बता देना, एंड कैसा लगा वीडियो, अभी पार्ट 2 आना बाकी है फ्लिपकार्ट वाला, पॉसिबली आज शाम तक आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोज हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक टेमेज के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।